13.3 क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया फोर्थ भी हो गया सिक्स्थ भी हो गया नहीं मैंने कौन सा सिक्स करा दिया था पहले सेवन करो क्वेश्चन सेवन ही वाला क्या कहता है एक जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन आपने कैप तो देखी है इस शेप की है कैप पे तो अंदर से खुली होगी ठीक है जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना है इसका 24 सेंटीमीटर फिर ऐसी कितनी कैप बनानी है टू फाइंड एरिया ऑफ 10 कैप्स कहना है कह रहा है क्या करना है कि 10 टोपियों का क्षेत्रफल तो यानी एरिया ऑफ 1 कैप इंटू 10 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 10 कैप्स ये सुनो एक टोपी का क्षेत्रफल गुणा 10 इज इक्वल टू 10 टोपी का क्षेत्रफल तो हमें पता है टोपी अंदर से खोखला है हॉलो है ना तो इसलिए कर सकते सीरिया देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन हिंदी में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल पाई की वैल्यू 22/7 आर है 7 तो एल का निकाल लो एल इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर एच कितना है 24 + 7 576 + 49 9 6 15 7 8 4 12 625 एल 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 625 इंटू एल हो गया आपका 25 यहाँ रखो बेटा कितनी जगह 25 रखो कितनी आया अब करो कितना हुआ इसका बेटा 5,000 अच्छा फिर क्या था हमें 10 को 2 निकालनी थी कितना हुआ 55,000 ठीक है ये हुआ एक का हमारे ये आ गया 550 एक कैप का और 10 कैप निकालने जैसे मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है अच्छा अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन देखो आठवां एक बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन तुमने देखा होगा सड़क नहीं होती सड़क तो क्या कर देते हैं वो लोग कभी को देखा हो कौन से लगा देते याद है कभी देखा होगा रोड को बंद करने के लिए ग्राउंड राउंड में तो उन्होंने कहा कि ऐसे क्या 50 होलो कौन लगा दिए ठीक है रिसाइकल कार्ड फॉर ईच हैज अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर तो कहने का मतलब आपका जो सॉल्यूशन 9 है उसमें उन्होंने 50 कौन लगाए और डायमीटर कितना है इसका 40 सेंटीमीटर हाइट कितनी है इसकी 1 मीटर चलो फिर इसका आठ साल होता है ईच कोन इज टू बी पेंटेड पोस्ट पेंटिंग इज रिलीज तो रेट क्या है अच्छा वो क्या कह रहे हैं इस पर पेंट भी करना है ठीक है और उसका कॉस्ट रेट है 12 रुपए अच्छा आपका आंसर मीटर में निकालना है ठीक है अच्छा पाई की वैल्यू उसने बोली है ध्यान रखना 3.14 रहेंगे इसको और जो हमारा 3.15 और रूट अगर आ गया कितना 1.04 उसका मतलब होता है 1.02 ये सब दिखे पे ना ठीक है तो इसमें देखो साफ सी बात है जो पेंट हो रहा है वो साइडों पे हो रहा है ना कहाँ पे हो रहा है साइडों पे बोल रहा है ना कहाँ पेंट हो रहा है यहाँ तो हो जाना कौन सा फॉर्म लगेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन लगा जल्दी से सी एस ए ऑफ कौन हिंदी में शंकु का
का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र फल इज इक्वल टू क्या है पाई आर एल, पाई की है 3.14, आर कितना है, अच्छा इसे देखो डायमीटर दिया है ना, तो रेडियस अगर बनाते तो ये रहता 20, अच्छा 20 सेंटीमीटर, लेकिन हमें चाहिए किसमें आंसर, मीटर में, क्योंकि आपका रेट मीटर में चल रहा है। तो आपका इस लिहाज से हम बेटा क्या करेंगे, इस पे कर लो, तो हमें पता आया था मिली सेंटी डेसीमीटर, डे का हेक्टा किलोमीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी सेंटीमीटर छोटा मीटर बड़ा, तो 100 से डिवाइड किया देन यू आर गेटिंग और 0.2, ये सुन लो, तो आपका इस बार जो रेडियस है वो कितना है आपका 0.2 मीटर, तो क्या लिखेगा 0.2, अच्छा एल तो निकाल लें नहीं, तो एल कैसे निकालते हैं, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, अच्छा एच कितना है इसमें 1, आर कितना है 0.2, कितना हो गया 1.1 कितना है, हाँ 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 है ना, तो ये हो गया 0.4 है ना, तो 1.04, हाँ दो बार डेसिमल है ना, हाँ सही बात 0.04, दो देखो ध्यान देना, दो एक डेसिमल है ना, जब दो से दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं याद करो, 0.2 × 0.2, तो दो डेसिमल आएगा, चार तो आएगा लेकिन प्लेस कितने पर है, दो पर, क्लियर, इसलिए हमें डेसिमल भी कहाँ लगाना होगा, दो से प्लेस पर, यानी 1 + 0.04, अच्छा यहाँ पे 2 की रूट चल रही है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा जो हो गया 1.04, और इसने बताया था इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें 1.02, ये सुन लो, तो यहाँ लिख दो 1.0, तो चलो सोचो कितना आंसर, हाँ इसका आंसर कितना आ रहा है, कितने का निकला, एक का निकला है ना, है ना, अगर अब थोड़ा नया सीखते हैं, है ना, मान लो कितने का निकालना है, 50 कौन है, तो देखो सी एस ए ऑफ 50 कौन, ये तो हुआ, यानी 50 शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो होता, तो कितना हो गया था 50 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है 0.2 × 1.02, अब देखो क्या हुआ, अगर आप चाहो तो 50 दूनी कितना हो जाता 100, 100 का मतलब 2 डेसिमल कितना बचता आपका 1 3.14 × 1.02, अब क्या करना निकालना है, कॉस्ट निकालना है जिसका रेट कितना है 12, तो अगर आप कॉस्ट निकालते तो क्या होता रेट इंटू ट्रिक सिखाई थी मैंने वाली कि डायरेक्ट आप कर सकते हो लागत वहाँ से देख लो बराबर दर गुणा क्षेत्र फल ठीक है दिखाई दे रहा है लागत बराबर दर गुणा क्षेत्र फल हाँ जी पूरा 384.336 ये आ गया ना तो इसी को डायरेक्ट कर सकते हैं आप ठीक है तो रेट कितनी चल रही थी आपकी 12 और क्षेत्रफल आपका पूरा हो गया है ना 3.14 × 1.02 इसको मल्टीप्लाई किया 384.33 राउंड ऑफ कर लो इसको कितना होता है 384.34 रुपए शायद ऐसे कुछ होगा आंसर है ना अप्रोक्स वाले आंसर है डेसिमल वाले होते हैं देखो पांचवें क्वेश्चन देखो हटाओ ये कर लिया किसी को पूछना है कर्सर पे इसी एक का निकाल लिया फिर हमने क्या किया उसके बाद
50 को उनका निकाल लिया, एक के बाद 5000 से मिल रेट कितना होता है एरिया इनटू रेट, तो एरिया का रेट से मल्टीप्लाई यानी 12 से मल्टीप्लाई करते हैं यू आर गेटिंग अबाउट 34.336। हां 336 क्या 336 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो डेसिमल बहुत बड़ी वैल्यू आएगी ठीक है। आप क्या है 12 × 3.14 × 1.02 का मल्टीप्लाई करोगे तो 384.336 आ रहा है, ये सुनो राउंड अप होता है कितना है 384.336 और भी होते हैं, इधर भूल जाओ ये सब डेसिमल की ध्यान रखना इधर होते हैं। तो आप क्या करते हो 5 या 5 से बड़ा हो क्या हो तो ये अपने आप को खत्म कर देता है, एक कैरी कर देता, तो क्या होता है यहाँ पर 4 क्या हो गया है सुनो। अगर मान लो यहाँ पर होता 5 6 ना होगा 4 होता तो आप क्या लेते ओनली 333 ओनली 33 4 ना लेते, याद है कभी मॉल में शॉपिंग करने गए हो आप लोग तो आप क्या लगते हैं 50 आप पे कितने लगते हैं हाँ 50 पैसे अगर 49 पैसे हैं तो 1 रुपये ही लेता, 50 पैसे जैसे होते हैं 1 रुपये लग जाता है, कभी देखना बिल में ऐसा ना राउंड अप होता है वो नहीं करे आई होप समझ में आ गया हाँ जी ऐसा मैं मैच कर रहा हूँ, बाकी तुम ये भी आंसर सही है तुम ऐसा भी छोड़ सकती हो ठीक है, ये अप्रोक्स वाले आंसर होते हैं ठीक है, क्योंकि उसमें राउंड अप करते हैं चाहे तुम ऐसा लिखो तब भी ठीक है, कोई नहीं था ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आएगा इसलिए मैं इसको बाद में करा रहा हूँ ठीक है, तो समझाने का क्वेश्चन हटाओ ये चलो ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन ध्यान सुनो, ये कहता है टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट, एक टेंट बनाना है आपको इस शेप में ठीक है, और आपको एक टारपोलिन की जरूरत है विल रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट और इसकी हाइट है वो एच मीटर, हाइट यानी एच कितना है उसका 8 मीटर और बेस रेडियस 6 मीटर ठीक है, ऐसा टेंट बनाना है आपको कॉनिकल जो उसकी एच जो यहाँ से यहाँ तक की है यानी जिसकी एच है आपकी 8 मीटर और जिसका यहाँ से आर है वो है 6 मीटर हाँ जी ठीक है। फिर अज्यूम द एक्स्ट्रा, अच्छा पहले से भूल जाओ 3 मीटर वाइड कितनी चाहिए हमें, यानी जो चौड़ाई है तारपुलिन की वो 3 मीटर है तो समझ ना कोई भी तारपुलिन होगी वो 3 मीटर चौड़ा तिरपाल को कहते हैं, तिरपाल तारपुलिन में तिरपाल जिसके छाते बनते हैं जिसका बैग बनता है बस्ता जूट जूट का कपड़ा है ना बांग्लादेश से आता है ठीक है, तो छाते पानी वाटर प्रूफ है ना, जो आपका बैग है तारपुलिन का है पानी नहीं जाता वो अंदर है ना, आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं तो ये कह रहा है अब वो ऐसा कुछ है मतलब वो कुछ और इसको तो एक टेंट बनाना है जो ऐसा पहले इसका ये निकाल देते बाद में बात करते हैं ठीक है, तो अच्छा एल तो मेरी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एच कितना है 8 आर कितना है 6 × 64 × 36 एल का स्क्वायर 100 फिर आर का हो गया 100 का रूट हो गया 10 एल आपका 10 ठीक है ये 10 क्लियर तो 10 आ गया है। फिर ये तो बच्चों वाली बात है भैया कॉमन ही है, फिर कल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल दो सी एस ए ऑफ कोन ठीक है, इसी में कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है होता है आपका पाई आर है, ये सब पाई की वैल्यू है कुछ नहीं बोलिए सर बोलिए 3.14 पाई की वैल्यू 3.14 वो छोड़ दो वो बाद में कर जाओगे तो बाद में देखा ठीक है, आ गया तो ये आ गया पाई की हो गई 3.14 आर कितना है 6 एल 10 ठीक है
तो सोचो कुछ होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कर दिया ना मल्टीप्लाई, कितना आया 188.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका मीटर चल रहा है। अच्छा चलो मीटर का स्क्वायर कर देते हैं बेटा। एक काम करो दीपांशु, तुम जरा दीदी से कहना इंक दो, इंक खत्म हो, ठीक है? तो यहाँ तो आ गए, कुछ था ही नहीं, अब थोड़ा तुम्हें डराते हैं। देखो फिर वो कहता है कि तालपुरी कितनी है, 3 मीटर। अब समझो ये बढ़ गया था, इस बड़ी को ध्यान दें आप, तो ये तो आगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है? अब वो क्या कहता है कि है ना, वाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड इज रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टैंक, मिल गया? अच्छा, वाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन कितनी लंबाई हो, है ना, जब उसकी कितनी रिक्वायर्ड हो रही है, 3 मीटर वाइड विल रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टैंक, है ना, कॉनिकल टैंक इसकी हाइट ये है। और वो कह रहा है उसके बाद हम बना लेते हैं एरिया, तो वो कहता है एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज कटिंग इज एक्सपोज, और जो एक्स्ट्रा लगा वो कितना लगा उसमें 20 सेंटीमीटर, समझो जो भी लगा उसमें एक्स्ट्रा कितना लगेगा वो 20 प्लस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो क्या कह रहे हैं, तो आपका देखो, तो देखो लेंथ ऑफ मार्जिन रिक्वायर्ड टू मेक टेंट, ठीक है? तो क्या होगा, जो भी आपका एरिया है ना उसमें से डिवाइड कर दोगे 188.4 को से डिवाइड, द लेंथ ऑफ मार्जिन रिक्वायर्ड टू मेक टेंट प्लस 0.2 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर के अगर एक्स्ट्रा लगेगा ना तो 20 जो भी होगा सर प्लस होगा ना, बाद में जो भी बना उसमें पता लगा भाई ये तो कपड़ा कम पड़ गया, 20 सेंटीमीटर और लाओ, तो 20 सेंटीमीटर को हमने किससे डिवाइड किया, मिली सेंटी देसी मीटर डे का तक मीटर, तो मीटर बनाने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे 100 से, तो 0.2 मीटर, तो क्या हो गए इसको डिवाइड करो एंड यू गेट योर आंसर, फिर सोल्व करो। हिंदी में आप हिंदी पढ़ के सुनो, क्वेश्चन पढ़ो 5 में हिंदी में, जोर से पढ़ना। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा, एन बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। देखो आपके पास चौड़ाई तो दी थी, क्या नहीं थी उसने, अब मैं थोड़ा फॉर्मूले को बनाता हूँ, ठीक है? ये कंफ्यूजन होगा, सर 3 से डिवाइड क्यों किया, रीजन क्या था, है तो मैं समझाता हूँ। देखो बेटा एल इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया होता है ना, और यहाँ एरिया क्या चल रहा है, ये तो चल रहा है, आपको दिया क्या है, निकालना क्या है, में आ गया ये लॉजिक, यानी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम त्रिपाल है जिसकी चौड़ाई है लंबाई पूछ रहा है ना, तो लंबाई L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया, ये तो है, और इससे हमारा क्या बना, कौन बना, शंकु बना,
क्या बना? शंकु बनाना। और वो कह रहा है फिर उसके बाद बनने के बाद ये तो बना, और फिर बाद में क्या कहता है भाई साहब 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लग गया। वो तो बात की बात है ना, एरिया निकालने के बाद उसने कहा जब लगेगा तो 20 सेंटीमीटर कटाई और सिलाई में कितना लग गया 20 सेंटीमीटर, तो एरिया लगाने के बाद पता लगा ये और लग गया। तो जो बनाया वो किससे बनाया? किसी कपड़े ही तो था, और उस कपड़े की चौड़ाई कितनी थी? 3 मीटर। अगर इसकी क्या है चौड़ाई है, लेंथ है ना, चौड़ाई है, तो लेंथ हमें क्या करना है निकालनी है ना, इसी से तो बनाए। तो लेंथ निकालने का तरीका क्या था? L into B is equal to area, तो L into B is equal to area, तो L नीचे आ गया नहीं, तो हमारा डिवाइड करने के बाद देन यू आर गेटिंग योर आंसर। तो इस क्वेश्चन के पीछे रीजन क्या था, तर्क क्या था और वितर्क क्या था, आपको समझ आ गया? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। और उसके बाद इसने एक्स्ट्रा बोला, तो ध्यान रखना वो 20 क्या है, एक्स्ट्रा है। वो कह रहा है कि बनाने के बाद लग गया। हाँ जी समझ में आ रहा है, तो ये सारी बात आ गया समझ में आ गया, तो ये कंप्लीट हो गया, ये समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका, चैप्टर 30.3 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं 13.4, आई होप समझ में आ गया पूरा चैप्टर एक्सरसाइज वाली। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप लोग गांठ बांध लो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हुआ है इस तरह का, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, घूमे घूमे आते हैं। तो आपका क्वेश्चन ट्रिक्स में अभी क्या थी, क्यों हमने उसको अगर अच्छा अगर चौड़ाई ब्रेथ पूछ लेता, ब्रेथ रिक्वायर्ड, तो एल को डिवाइड कर देते हैं। बात तो भैया एल इंटू बी इक्वल टू एरिया, और ए उससे बन क्या रहा है, यानी यहाँ इसका मतलब हर जगह नहीं है, इसका मतलब यह है कि इस एरिया के लिए हम क्या बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं। उसके बाद पता लगा 20 सेंटीमीटर और लग गया, यानी इसके बाद इतना के बाद उसे 20 सेंटीमीटर और जाके कपड़ा लेके लगाना पड़ा, समझ आ गया। इसको लगा दिया पर कह रहा 20 सेंटीमीटर और लगाओ, तो वो दुकान से बाजार से लेने गया कपड़ा है ना, है ना।